वेलकम बैक माय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे दोस्तों मेरी यूट्यूब चैनल दिवस शेव्स पे। आज जो हमारा फोकस है शेविंग का वो है बजट शेव, और आज जो हम इक्विपमेंट्स और जो प्रोडक्ट्स यूज करेंगे वो आसानी से किसी भी शॉपिंग मॉल में, किसी भी मेगा मार्ट में आपको आसानी से मिल जाएंगे, किसी भी शहर में, यहाँ तक कि आप किसी जनरल स्टोर में, प्रोविजन स्टोर में, मेडिकल शॉप में ये सब इक्विपमेंट्स आसानी से मिल जाते हैं। तो इनको प्रोक्योर करने में आपको बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगी। नाउ देखिए, बजट शेविंग का आज मकसद ये है कि हम कम से कम खर्च में भी एक बेहतरीन, एक उम्दा शेव बना सकते हैं। हाँ, इसको कभी भी हमें तुलना बहुत महंगे इक्विपमेंट्स, महंगी शेविंग क्रीम्स, महंगे प्रोडक्ट्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर दिन जो शेविंग होती है उसका जो फीलिंग है, उसके रिलेटेड जो हमारे इमोशंस हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। उसका एक एक्सपीरियंस होता है, उसका एक अनुभव होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। मगर हाँ, हम कम से कम खर्च करके भी एक उम्दा, एक बेहतरीन, एक बहुत अच्छी शेव कर सकते हैं। आज ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट। आज के जो जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैं आपको जरूर पहले दिखाना चाहूंगा। सो आप देख सकते हैं पेटी पैक बिल्कुल ब्रांड न्यू, जिलेट 7 o'clock सुपर प्लैटिनम ब्लेड, ये प्लास्टिक का है। इसको नॉर्मली हम क्लिक ओपन सेफ्टी रेजर भी बोलते हैं। तो इसकी अनबॉक्सिंग जरूर करेंगे। दैट्स इट। तो आप देख सकते हैं ये रेजर, और इसमें एक सिंपल मैकेनिज्म है, आपको आवाज आएगी क्लिक। इसका हिंज जो है ये थोड़ा सा डेलिकेट होता है, बट हाँ, क्योंकि बजट रेजर है तो इससे हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए। पूरी बॉडी प्लास्टिक की बनी हुई है और एक नीचे एक छोटा सा रिंग दे रखा है। तो ये आज का रेजर। इसके साथ इन्होंने दो जिलेट 7 o'clock सुपर प्लैटिनम ब्लेड्स प्रोवाइड किए हैं। तो ये फ्रेश ब्लेड आज मैं यूज करूंगा, सुपर प्लैटिनम जिलेट 7 o'clock ब्लेड। शेम की दुनिया में इनको लोग जिलेट 7 o'clock ब्लैक्स करके भी इसको यूज किया जाता है, और जिलेट कई तरह के इस तरह के डीई ब्लेड्स बनाता है। एक मुझे याद है एक येलो कलर का होता है, फिर विल्कनसन स्वॉर्ड जो हम यूज करते हैं, मेरे को बहुत पसंद भी है वो ब्लेड्स, वो भी जिलेट का बनाया हुआ है, और वो भी चाइना में भी बनता है, भारत में भी बनता है, और मैंने सुना है जर्मनी में भी बनता है। इसी तरह से एक जिलेट का ग्रीन करके आता है, जिलेट ग्रीन या उसको पामा शार्प कहते हैं। तो इस तरह के कई ब्लेड होते हैं, आने वाली वीडियोस में हम उनके बारे में भी रिव्यूज देने की कोशिश करेंगे। आज देखेंगे कि इसकी स्मूथनेस, इसकी एग्रेसिवनेस किस तरह की हमको प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये काफी दिनों के बाद मैं यूज कर रहा हूँ ये ब्लेड, तो आज इसका पहला यूज होगा, इट विल बी फर्स्ट यूज टुडे। शेविंग क्रीम पार्क एवेन्यू जेके हेलेन कर्टिस, और टिपिकल एक बाबर शॉप इसकी फ्रेग्रेंस होगी। कंपनी का दावा है कि ये इसमें जो मेंथल और लेवेंडर का एक मिक्स फ्रेग्रेंस आएगी, और ये कूल ब्लू 7 o'clock कूल ब्लू शेविंग क्रीम। और आज मैं कोई आफ्टर शेव लोशन या प्री शेव ऑयल नहीं लगाऊंगा, बेटर शेव है तो अपना सिंपल, सस्ता, सादा एस्ट्रिंजेंट एलम ब्लॉक फिट करी जिसको हम बोलते हैं। और जो शेविंग शेविंग ब्रश मैं यूज कर रहा हूं, जिलेट का नायलॉन शेविंग ब्रश, 45 to 55 rupees में यह आसानी से किसी भी शॉप में आपको मिल सकता है। तो ओवरऑल सिंपल, सस्ती, सारी सेव विद ऑल द कंफर्ट आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। इस शेविंग ब्रश को मैंने ऑलरेडी हल्के से वार्म वाटर में पिछले 15 मिनट से हल्के से भिगो के रखा है, आप देख सकते हैं। इस तरह से जो एक्सेस वाटर है उसको मैंने स्क्वीज आउट कर दिया है, निचोड़ दिया है। लेट्स स्टार्ट अप्लाइंग क्रीम।
क्रीम लगाने के अलग अलग तरीके हैं अलग अलग लोगों के। आप चाहें तो इस ब्रश में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, या आपने देखा होगा अगर आप बाबर शॉप में जाते हैं किसी नाई की दुकान में जाते हैं तो थोड़ा सा वो उंगली में लेके ऐसे चिन एरिया में लगा देता है, या कई लोग इसको हल्के हल्के से अपने गालों पे और नेक एरिया पे अप्लाई करते हैं। मैंने जो शेविंग क्रीम है यहाँ लगाई है चिन में। चलिए लेट्स स्टार्ट मेकिंग द लादर। इस ब्रश की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कंपेयर टू जो नॉर्मल ब्रशेस में यूज करता हूं उससे कम है, मगर एक बजट ब्रश है तो इससे ज्यादा बहुत ज्यादा उम्मीद रखना बेकार है। मगर मैं देख सकता हूं कि अगर मैं शांति से आराम से बिना किसी जल्दी के लादे बनाऊं तो ये भी अच्छा लादा बना रहा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इनफैक्ट अपने स्टूडेंट डेज में मैंने बहुत इस ब्रश को यूज किया है और ये ब्रश बहुत पुराना है, ऐसा यादगार मैंने अभी भी रखा हुआ है, तो काफी दिनों बाद मैं इसको यूज कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं एक अच्छा लादा क्रिएट हो गया है। फ्रेग्रेंस एक टिपिकल बाबर शॉप में जो स्मेल आती है फ्रेग्रेंस आती है बिल्कुल वैसे ही मेरे को आ रही है। जिलेट का जो ये क्लिक ओपन सेफ्टी रेजर है, मैं आपको बताऊं जितना मैंने अपने रिसर्च किया है ये सेफ्टी रेजर अब और कंट्रीज में नहीं बनते, केवल इंडिया चाइना या कुछ अन्य देशों में ये उपलब्ध है, जाकर ये एक्सपोर्ट किए जाते हैं भारत से और राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट अलवर जो भिवाड़ी है वहां पे जिलेट ये प्लास्टिक के सेफ्टी रेजर्स बना रहा है। इससे एक लेवल नीचे का प्लास्टिक रेजर और आता है वो ग्रीन रंग का होता है अक्सर, वो इससे थोड़ा सस्ता होता है मगर वो मेरे को मार्केट में नहीं दिखा। और इससे एक लेवल ऊपर जहां पे मेटालिक शेविंग हेड होता है वो जिलेट का स्टर्लिंग रेजर है, बहुत पॉपुलर है। तो कौन लोग आज इस वीडियो से कुछ सीख सकते हैं? स्टूडेंट कम्युनिटी, जो स्टूडेंट्स कहीं बाहर किसी शहर में कोचिंग ले रहे हैं हॉस्टल में रह रहे हैं वो ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते लिमिटेड बजट में, तो वही इक्विपमेंट्स यूज कर सकते हैं। फ्रीक्वेंट ट्रेवलर्स, अगर आप अक्सर ट्रेवलिंग मोड में रहते हैं और आप बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते तो ये आपके अपने ट्रेवलिंग शेविंग किट में यूज कर सकते हैं। या कभी कभी क्या होता है कि आप किसी शहर में गए अपनी शेविंग किट ले जाना भूल गए, आप बाबर शॉप नहीं जाना चाहते तो भी आप ये प्लास्टिक क्लिक ओपन रेजर और एक छोटी ट्यूब अलोंग विथ शेविंग ब्रश खरीद सकते हैं। नाउ आप देख सकते हैं एक अच्छा लादर क्रिएट हो गया है, लादर इज स्लिक एंड वॉल्यूमिनस। बाहर का पेपर और अंदर का एक बटर पेपर, उसमें ब्लैक पैक आया है। अब मैं इस ब्लेड को इस रेजर में बैठा दूंगा। और ये जो सेफ्टी बार है नीचे शेविंग हेड के नीचे जो सेफ्टी बार है ये इसमें कोई कोम्ब नहीं है, ये स्ट्रेट लाइंस इसमें बनी हुई है।
चलिए एज यूजुअल देखिए, बहुत ज्यादा लग्जरी वाली आपकी शेविंग या बेसिक फंडामेंटल बजट शेविंग, द प्रिंसिपल्स वही फंडामेंटल्स वही रहेंगे, उनसे हमें बिल्कुल नहीं भटकना है। क्लियर? तो पहला मेरा पास विद द ग्रीन। उसी तरह से छोटे छोटे स्ट्रोक्स, फीडबैक दे रहा है ये रेजर भी, मगर हाँ काफी हल्का है। कंपेयर टू मेटालिक रेजर्स बहुत ही लाइट फील हो रहा है, और फिर भी मैं कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट या एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं दे रहा हूं। थोड़ी प्लास्टिक की फील है, ब्लेड भी अच्छा चल रहा है। वो ब्लेड के बारे में मैं सेकंड पास के बारे में आपको बता पाऊंगा। पहला पास कंप्लीट। ये मेरी डेढ़ दिन पुरानी बियर्ड थी, पूरी तरह से स्मूथ तो नहीं कहूंगा, मगर रेजर ने जिस तरह की कीमत है अच्छा काम किया है, नॉट बैड। लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग लादर और सेकंड पास। कई बार लोग पूछते हैं कि शेविंग सोप अच्छे होते हैं, शेविंग क्रीम्स अच्छी होती हैं, तो इसके बारे में डिटेल से किसी दूसरे वीडियो में आपको जरूर मैं बताऊंगा। फिलहाल ये क्रीम अच्छा काम कर रही है, ठीक ठाक काम कर रही है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पास नाउ अक्रॉस द ग्रेन। उसी तरह से हल करके छोटे छोटे स्ट्रोक्स, सही बताऊं तो ये रेजर मैं कई साल बाद यूज कर रहा हूं। स्टूडेंट लाइफ में कुछ समय 6-7 मैंने इस रेजर को यूज किया था, ये अक्सर ज्यादातर लोगों का एक ट्रबल स्पॉट होता है नेक एरिया। यहां पे स्मूथनेस आ गई है, मगर ये जो होते हैं ये चिन वाला एरिया, यहां पे अभी भी थोड़ी थोड़ी स्ट्रगल बनी हुई है,
तो मुझे लगता है काफी हद तक कम हो जाएगी थर्ड और फाइनल पास पे। शेविंग सोप के कंपैरिजन में शेविंग क्रीम में मैंने देखा है कि लादा जो है वो जल्दी ड्राई होने लगता है। डेफिनेटली उसमें वो शेविंग सोप में थोड़े एक्सक्लूसिव ऑयल्स डालते हैं वो लोग, तो मॉइस्चराइजिंग कैपेसिटी सोप्स की मैंने देखा ज्यादा बेटर होती है। थर्ड एंड फाइनल पास एज यूजुअल अगेंस्ट द ग्रेन। इरेजर बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं है, इनफैक्ट कोई भी बिगनर जो वेट शेविंग की शुरुआत करना चाह रहा हो वो इस रेजर से अच्छी प्रैक्टिस कर सकता है। बिल्कुल एग्रेसिव नहीं है, बहुत ही माइल्ड है और सही बताऊं तो मेरे को काफी कंफर्ट आ रहा है। मगर जो मेटालिक रेजर होते हैं उनके कंपैरिजन में इसका क्योंकि वेट नहीं है तो वो जो एक फीलिंग ऑफ कंफर्ट होता है वो थोड़ा सा मिसिंग है। बट देन कीपिंग इन माइंड द प्राइस वैल्यू इट इज डूइंग इट्स बेस्ट। फुल मार्क्स टू जेलेट। एयर लोब्स को ऐसे आप उठा लें, थोड़ा सेंसिटिव पार्ट है आपका और सब कट्स लगते हैं। अगर प्लास्टिक ही है और आपको ऐसे हाथ से फिसले जैसे मेरे को हो रहा है तो थोड़ा सा एलो ब्लॉक में अपनी उंगलियों को ऐसे रगड़िए और फिर से आपकी ग्रिप ठीक ठाक आ जाएगी, फिसलेगा नहीं। यहाँ पे आराम आराम से थोड़े से जेंटल स्ट्रोक्स चलाएं। Yes, I can now feel the smoothness. बहुत ही हल्के स्टबल्स है बट इससे ज्यादा उम्मीद करना इस रेजर से ठीक नहीं होगा। सो ओवरऑल कीपिंग इन माइंड द प्राइस आई एम टोटली सेटिस्फाइड। तो आज मैं कोई भी आफ्टर शेव लोशन नहीं लगाऊंगा। पोस्ट शेव में मेरा जो आज रेजिमेन है दैट इज माई फिटकरी एलम ब्लॉक। That's all.
सच माने तो बहुत ही उम्दा शेव मेरे को मिली है, काफी स्मूथ, आई एम थॉरली सेटिस्फाइड। तो अगेन जो लोग डी शेविंग को, वेट शेविंग को शुरुआत करना चाहते हैं वो इन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं, और बहुत अच्छा मेरा अनुभव रहा है, आई एम थॉरली सेटिस्फाइड, यस फैंटास्टिक। सो इससे पहले कि आज का वीडियो मैं समाप्त करूं, आपको फिर से मैं आज के प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहूंगा। शेविंग क्रीम पार्क एवेन्यू कूल ब्लू, बहुत अच्छा लादा बनाया इसने, वेरी मच सेटिस्फाइड। रेजर जिलेट 7 o'clock क्लिक ओपन प्लास्टिक रेजर, आज का ब्लेड। इस ब्लेड के बारे में जरूर मैं कुछ बताना चाहूंगा, एक अपना एक पर्सनल रिव्यू देना चाहूंगा। ब्लेड बहुत अच्छा लगा मेरे को, ऑलमोस्ट एट पार विथ माय गो टू ब्लेड जो मैं निरंतर यूज करता हूं, विल्किंसन सोल्ड, बिल्कुल वैसे ही मेरे को अनुभव हुआ है। अब देखता हूं ये कितना चलता है। नॉर्मली मैं 3 से 4 शेप ले लेता हूं एक ब्लेड से, तो आज ये मेरी पहला था। शार्पनेस के बारे में अगर मैं बात करूं, काफी शार्प है, मगर अगर हम, आपने सुना होगा एक जापानीज ब्लेड है फेदर, तो वो उसको आज भी करेक्ट टॉप में रखा जाता है हेयर की लेवल शार्पनेस में, तो उसके कंपैरिजन में तो ये एक नीचे लेवल का ब्लेड है, मगर आई एम सेटिस्फाइड विद द शार्पनेस। स्मूथनेस अभी मैं 3-4 शेव और करूंगा तो मैं स्मूथनेस के बारे में ज्यादा बता पाऊंगा, बट मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, कोई स्किन इरिटेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक बड़ा सब्जेक्टिव टाइप टॉपिक हो जाता है। जैसे कई इस तरह के जो लोग होते हैं जिनका काफी अनुभव है डी शेविंग में, वो कहते हैं पॉल सिल्वर भी बहुत अच्छा है, करेक्ट, फिर एक एक्स्ट्रा करके एक ब्लेड आता है वो स्मूथनेस में उसको काफी हाई लेवल लोग देते हैं। मैं धीरे 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 मैं भी कुछ ब्लेड्स का अनुभव करूंगा, तो वो ज्यादा अच्छा होगा कि मैं थोड़े और ब्लेड्स के बारे में खुद को पर्सनली पहले मैं एक्सपीरियंस करूं, फिर उसके रिव्यूज दूं, बट ओवरऑल आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। अगर आपको ये आसपास में ये ब्लेड मिल रहा है तो आप लेके ट्राई कर सकते हैं। हाँ, एक जिलेट का पावाशार्प ग्रीन कलर का एक ब्लेड आता है, वो मैंने उसके 2 ऐसे पैक्स लिए थे, मगर मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आया, उनसे काफी निक्स वगैरह बने थे, और 1-2 शेविंग वीडियोस में भी देखा कि जो यूट्यूबर्स थे वे वर नॉट सेटिस्फाइड, तो मैंने 1-2 शेव के बाद उनको रिजेक्ट किया, तो वो मैं डेफिनेटली नहीं यूज करूंगा, बट यस ये वाले ब्लेड से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। शेविंग ब्रश, अब इस शेविंग ब्रश से बहुत उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफी कम है, थोड़ा आपको भिगाना भी पड़ेगा इसको कुछ टाइम के लिए। एक अच्छे सिंथेटिक ब्रश जो है, जो सिंथेटिक बैजर ब्रश आते हैं, बैजर ब्रश तो बहुत महंगे होते हैं और उनका उपयोग मैं करूंगा भी नहीं आगे, क्योंकि उसमें सुना है मैंने कि बैजर नाम का एक जो छोटा सा एनिमल होता है फर वाला, उसको मारा जाता है, मगर जो सिंथेटिक बैजर ब्रश आते हैं वो थोड़े से महंगे होते हैं, मगर उनमें लेदर करने में ज्यादा मजा आता है, बट यस क्योंकि ये एक बहुत ही एंट्री लेवल का एक नायलॉन ब्रश है, तो बहुत ज्यादा उम्मीद ना करते हुए आई एम सेटिस्फाइड जिस तरह से इसने लादर आज क्रिएट किया है, कम टाइम में सब कुछ अच्छे से हुआ। तो ये था दोस्तों मेरा आज का रिव्यू, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब किए, बेल का आइकन दबाइए जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पाने के लिए, मैं और इस तरह के अच्छे प्रेजेंटेशन आपको देना चाहूंगा। तो आज के लिए इतना काफी, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, करेक्ट, अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, जरूरी चीज के लेने के लिए जरूरी काम से ही बाहर रखिए, अपने परिवार वालों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। विद दिस नोट आई एम एंडिंग माई वीडियो टूडे, लिव विद पैशन, जय हिंद।